नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप कुमार और आज हम देखने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन जिसका नाम है मिजेरियम। मिजेरियम स्पेशली स्किन के लिए दी जाती है, तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ उसके स्किन सिम्टम्स को एक स्टोरी की ट्रिक से याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिजेरियम की स्टोरी को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, मजेलियम। एक्चुअली क्या था, एक व्यक्ति था, वो एक लड़की के बहुत मजे लेता था, उसे परेशान करता था, उसे टॉन्ट मारता था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था उसको। ठीक है, बहुत मज़े लेता था उसके, तो वहाँ से मजेलियम याद रखना आप। ठीक, वो लड़की जो थी वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, उसका नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया, वो वहाँ से उसी शहर में रहती थी, लेकिन उसने शिफ्ट कर दिया अपना घर। अब क्या हुआ कि कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गए। अब वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुए तो वो जो व्यक्ति था उस लड़की को परेशान करता था, वो भी वैक्सीन लगवाने गया। अब वहाँ पर बाई चांस की बात है कि वो जो वैक्सीन लगा रही थी वो लड़की थी। ठीक, अब दोनों ने मास्क लगा के रखे थे, लेकिन लड़की ने उस आदमी को पहचान लिया, बोले ये इस आदमी ने मेरे बहुत मजे लिए, अब मेरी बारी। तो वो लड़की क्या करती है कि उसको कोरोना की वैक्सीन की जगह हर्पीस वायरस से भरा हुआ डोज लगा देती है, मतलब उसके अंदर हर्पीस वायरस डाल देती है। ठीक, और हर्पीस वायरस डालने के बाद, इंजेक्ट करने के बाद में फिर वो मास्क नीचे उतारती है और कहती है, पहचाना पहचाना मैं कौन। हाँ, फिर वो आदमी भी पहचान लेता है, उसके बाद उसकी स्माइल देख के वो थोड़ा परेशान हो जाता है, ये लड़की ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है। फिर उसे बताती है, मैंने जो तुम्हें चीज़ लगाई है ना तुम्हारे अंदर, इसकी वजह से अब तुम्हारी बॉडी ऐसी सड़ने वाली है कि तुम बोलोगे कि मैं मर जाऊं इससे अच्छा। ठीक है, ऐसी सड़ेगी तुम्हारी बॉडी। तो ठीक है, अब वो आदमी लोड नहीं लेता इतना, वाला मजे मजाक कर रही होगी, कोरोना वैक्सीन लगाई है, कुछ नहीं हो, अब चला जाता है। ठीक, चला चला जाता है। अब जाने के बाद में घर पे उसे खुजली चालू होती है, भयंकर खुजली। ठीक है, एग्जमा होने लगते हैं, इरप्शन होने लगते हैं उसकी स्किन के ऊपर, और भयंकर खुजली स्टार्ट हो जाती है उसको घर जाते से ही। अब खुजली जो थी उसकी वो बढ़ती चली जाती है, वो खुजली बहुत बढ़ चुकी होती है। शाम तक वो बेड पे लेटता है, बेड की गर्मी से तो और बढ़ जाती है उसकी, वो टच तो बिल्कुल हुआ ही नहीं जा रहा था, वो फिर से उठ के बैठ जाता है। अब सोचने लगता है कि हाँ, लड़की ने सच में हर्पीस वायरस डाल दिया, अब मैं सच सड़ के मरने लगता हूँ, मरने वाला हूँ। ठीक, अब धीमे धीमे करके क्या होता है, उसकी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक सड़ना स्टार्ट हो चुकी है, खराब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या होता है, जो सिर है, सिर के ऊपर, मतलब सबसे पहले कहाँ से सड़ना स्टार्ट हुआ, सिर से स्टार्ट हुआ। अब सिर पे क्या हो रहा है सुनिएगा। ठीक है, अब सिर पे क्या हुआ कि हेड जो है, हेड पे से यहाँ से पूरे इरप्शन हो गए, उनमें से पस लाइक मटेरियल निकलने लगा। पस लाइक मटेरियल सिर के ऊपर इकट्ठा हो गया, ऊपर से हवा लगी, वो सूख गया, तो उसकी ऊपर की लेयर जो है वो पपड़ी नुमा हो गई। ठीक है, पपड़ी जैसी लेदर लाइक एकदम जम गई उसके ऊपर, और उसके नीचे पस भरा हुआ है फ्रेश वाला। ठीक है, उसके नीचे स्कैल्प है, तो इस तरीके से वो उसके स्कैल्प पे अपने को देखने को मिला। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, अब जो हेयर्स थे वो उस पस में चिपक चुके हैं, आप समझ रहे हैं ना, तीन लेयर हो चुकी है, स्कैल्प स्कैल्प के ऊपर, पस की लेयर, पस के ऊपर वही पस सूखा हुआ लेदर लाइक अपीयरेंस दे रहा है। ठीक, चलिए अब आगे क्या होता है, धीमे धीमे करके क्या, जो पस था वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता जाता है, बदबूदार होने लगता है, और धीमे धीमे करके उस सिर के, सिर पे छोटे छोटे कीड़े तक वहां पे बनने लगते हैं। लड़की ने ये भी बोला था कि कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े बहुत मजे लिए ना तुमने मेरे, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो तो चलो ठीक था, सिर, अब सिर से नीचे की तरफ दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अल्सर होना शुरू हो जाते हैं उसको बॉडी के ऊपर, अल्सर्स। ठीक, इससे पहले हमने चार सिम्टम्स कंप्लीट कर लिए हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, मिजेरियम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर स्किन अफेक्शंस, इज रेस्पेक्टिव इफ वेदर इट इज एक्जिमा एंड इचिंग इरप्शन आफ्टर वैक्सीनेशन और हर्पीस जोस्टर और अल्सर्स ऑफ वेरियस काइंड। देन एक्जिमा एंड इचिंग इरप्शंस आफ्टर वैक्सीनेशन विद इनटॉलरेबल इचिंग फॉलोड बाय कॉपियस सेरस एक्सुडेशन ऊजिंग आउट एग्रेवेटेड इन बेड एंड फ्रॉम टच। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, द फेवरेट साइट फॉर मैनी ऑफ द इरप्शंस इज द स्कैल्प। देन फोर्थ, द हेड इज कवर्ड विद थिक लेदर लाइक क्रस्ट अंडर विच थिक एंड वाइट पस कलेक्ट्स हेयर ग्लूड। पस आफ्टर अ सम टाइम इज इकोरस एंड बिकम ओफेंसिव एंड ब्रीड्स वर्मिन, छोटे छोटे कीड़े। ठीक है दोस्तों, अब नीचे की तरफ बॉडी सड़ना स्टार्ट होती है। अब नीचे क्या होता है, पूरी बॉडी पर उसके अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब अल्सर कैसे हुए, अल्सर पीले कलर के, उनके अंदर जो पस भरा हुआ है अल्सर के अंदर वो भी पीले कलर का है, और पूरा जो भी उसके ऊपर पपड़ी वगैरह जम रही है, जो भी है वो सब पीला पीले कलर का हो रहा है, पीले पीले अल्सर्स हो जा रहे हैं उसको। अब उसके बाद में जो अगली चीज, जो अल्सर थे उनके चारों तरफ वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, छोटे छोटे फफोले टाइप के बन जाते हैं, उनमें भयंकर खुजली मच रही। अब उस पर खुजाए बिना उसको रहा ही नहीं जा रहा है, अब खुजाओ तो दिक्कत, नहीं खुजाओ तो दिक्कत, वेसाइकल फूट जाएंगे, फिर से अल्सर बन जाएंगे, क्या करें।
ठीक, अब क्या होता है कि वो सोचता है कि अब मैं कब तक बैठा रहूंगा, क्योंकि चारपाई पर लेटने से तो उसको एग्रवेशन हो रहा था, कब तक बैठा रहूंगा। तो उसने सोचा कि कैसे भी करके थोड़ी देर लेट लेता हूँ, फिर दोबारा बैठ जाऊंगा। अब वो जैसे ही लेटता है, क्या होता है, उसने लाइनिंग की शर्ट पहन के रखी थी, अब जो शर्ट थी वो उसके अल्सर से चिपक जाती है। ठीक, उसके अल्सर से चिपक जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो बैठता है और फिर देखता रही थी चिपकी, फिर उसको छुटाने की कोशिश करता है शर्ट को। जैसे ही अल्सर से उसको अलग करता है, वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, उसको सिम्टम देख लेते हैं हम, दो तीन हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पर। अल्सर्स विथ थिक येल्लो स्कैब इन विच थिक येल्लो पस कलेक्ट्स एंड वेसाइकल्स अपीयर अराउंड द अल्सर विच इच वायलेंटली एंड बर्न लाइक फायर। आग लगी हुई है उन अल्सर्स में, वेसाइकल्स में। ठीक है, एंड लाइनन एंड चारपाई स्टिक्स टू द अल्सर्स, दे ब्लीड्स व्हेन इट इज टॉर्न अवे। ठीक है, लाइनन एंड चारपाई दोनों क्लोथ की फॉर्म्स हैं। ठीक, अब वो ब्लीडिंग होने लगी उसमें से। अब वो देखा जाए तो उसकी जो पूरी बॉडी थी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी अनहेल्दी हो चुकी थी। ठीक है, पूरी बॉडी अनहेल्दी, वेसाइकल्स हो गया, सिर भी सड़ गया, सब कुछ सड़ गया उसका अनहेल्दी। और धीमे धीमे करके उसको लगने लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। और थोड़ी ही देर बाद उसको सेंसेशन हुआ कि मेरी बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं। समझ गया, सड़ चुकी है मेरी बॉडी, मेरे कीड़े पड़ चुके हैं मेरे शरीर में, अब मैं मरने वाला हूँ। उस लड़की की जो बद्दुआ थी वो मुझे लग चुकी है। ठीक दोस्तों, थोड़े ही समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, लड़की खुश, उसका बदला पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, दो तीन सिम्टम हमने और कवर कर लिए हैं, देख लेते हैं। अ जनरल अनहेल्दीनेस ऑफ द स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एंड देयर इज इंटेंस इचिंग फील्स दैट थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स वर क्रीपिंग ऑल ओवर द बॉडी। साथ में लास्ट में मॉडलिटीज हैं जो हमारी कवर हो चुकी हैं। ठीक, मॉडलिटीज एग्रावेशन में एट नाइट इन बेड एंड फ्रॉम टच एंड एमुलेशन इन ओपन। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में। नमस्कार।